अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। .com के लिए मैं ओपी वरुण आपके साथ आगरा से हूं और आज मेरे साथ हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से वहां के बसपा प्रत्याशी राजवीर सिंह। बहुत कम गठबंधन प्रत्याशी राजवीर सिंह, बहुत कम समय में देखा जाता है कि बहुत छोटे समय में आदमी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लेता है और उनका नाम हो जाता है। उन्हीं में से एक है राजवीर सिंह जी, जिन्हें कहने को तो लोग कहते थे बाहरी प्रत्याशी बाहरी, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए हैं मन से वो बहुत काबिल तारीफ है। राजवीर जी आपका स्वागत है news.com में। बस वही सवाल जो हर आदमी कह रहा है बाहरी बाहरी, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल दिया कि मैं भारतवासी हूँ, बाहरी कहाँ से हूँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की वो भ्रांति ना फैलाएं बाहरी 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 बोल के। मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत में एक ही संविधान है और भारत के संविधान के हिसाब से भारत का कोई भी नागरिक 543 सीटों में से कहीं पे भी लड़ सकता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा, इसके लिए तो बाहरी शब्द किसी को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ये इतनी ऐतिहासिक नगरी है कि ये भारत जब से बना तब से लोग इसको जानते हैं। एक एक मैं बटेश्वर से लेके और पूरी तहसील को जानता हूँ, पूरी एक एक उस तहसील का एक एक कोना मैंने घुमा हुआ है जहाँ पे नदी पार करके जाना पड़ता है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरे करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या आपने कुछ रणनीति बनाई, किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जो लोगों के मुद्दे हैं, जो भारत सरकार की नाकामी है, ठीक है, सब लोगों को सारे मुद्दे बताएं। किसान इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान इनसे परेशान है, ठीक है, वो जो मुद्दे हैं, ठीक है, जनता को खुद को ही पता, लेकिन फिर भी हम घर घर जाके उनको बता रहे हैं कि इस सरकार को हटाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गैर जरूरी सरकार है, अपने फायदे का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। कोई इन्होंने रोज़गार नहीं दिया, इन्होंने बोला कि साहब 2 करोड़ रोज़गार देंगे साल का, 2 करोड़ साल का तो छोड़ो, ये 10 लाख रोज़गार नहीं दे पाए 5 साल में, 5 साल में 5 लाख रोज़गार नहीं दे पाए। किसान जितनी आत्महत्याएं 5 साल में करी है उतने पूरे भारत के इतिहास में नहीं करी, जितने हमारे शहीद 5 साल में हुए हैं उतने भारत के इतिहास में नहीं हुए। मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे शहीद कभी युद्ध में भी जो है शहीद हुए हैं। जैसे कि अभी आपने भारत सरकार की जितनी नाकामियां गिना दी, बसपा सरकार अगर आती है जो गठबंधन से जितने सीट हम लोग वसूल करेंगे और उसमें से अगर आपकी सीट होती तो आपका पहला ऐसा काम क्या होगा जो आप फतेहपुर सीकरी जनता के लिए करेंगे? देखिए, पहला बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गठबंधन के साथी जो श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि अब की बार भारत का जो मुख्य प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से, ठीक, जब सरकार बनेगी, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं, जितनी भी लोकसभा भारत में सबके लिए अच्छा काम होगा। सबने जो है बेंजी का शासन देखा है, माननीय अखिलेश जी का शासन देखा, सबने शासन देखा है कि उन शासन में क्या क्या योजनाएं चलती थी, कैसी कैसी योजनाएं चलती थी, उनमें अमल भी होता था, ठीक है, तो उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको मालूम है कि कैसी शासन और सत्ता रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और खुद का टिकट की खुद ही घोषणा की इन्होंने कि वो फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ने वाले राजबब्बर जी, और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बसपा से कुछ दिग्गज नेता शामिल भी हुए हैं, क्या मानते हैं कि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ेगा आपके चुनावी संघर्ष? देखिए, जहाँ तक आप बार बार भाजपा के बसपा के दिग्गज नेता, बसपा के दिग्गज नेता, मैं पहले भी बोला कि बसपा का कोई भी शिकायत, ठीक है, कभी भी बसपा को छोड़ना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। जो आने और जाने वाली जो परंपरा है, कुछ लोगों को ये अपनी गलत नीतियों के साथ भड़का लेते हैं, कुछ को डरा लेते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, तो कई बार आदमी रास्ता भटक जाता है, लेकिन मेरे को फिर भी उम्मीद है कि हम सब साथी थोड़े दिन में फिर साथ होंगे, चुनाव से पहले साथ होंगे। जैसे कि आपने देखा कि चुनावों से पहले सभी रूटों को मना लिया जाएगा और जो काम अधूरे पड़े हैं उनमें लग जाएंगे चुनाव करने में। फिलहाल राजवीर सिंह जी ने साबित कर दिया है कि वो जो लोग उन्हें बाहरी कह रहे थे वो बाहरी नहीं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी कहना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अपने साथ ही आसिफ के साथ ओबी वरुण news.com आगरा।